हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिवाली का पर्व बाजार में रौनक न लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के करोल बाग मार्केट में है और यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं दिवाली की शॉपिंग को लेकर और दिवाली की तैयारियों को लेकर, सीधी तस्वीरें आपको यहाँ से ही दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से बेहद ही खूबसूरती से करोल बाग मार्केट को लाइटों से सजाया गया है। तो इस तरह से भव्य लाइटिंग तो हो गई है, सजावट भी हो गई है मार्केट की, लेकिन जो कस्टमर्स हैं मार्केट में वो कुछ गायब गायब से नजर आ रहे हैं चारों तरफ। मैं अपने कैमरा पर्सन वरुण कुमार जी से कहूंगी कि वो चारों तरफ पैन करके दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो दिवाली से एक दो दिन पहले की तस्वीरें होती थी हर साल के दुकानों में भीड़ उमड़ी होती थी और लोगों का जमावड़ा इतना होता था कि किसी किसी दुकान पे तो मानो लाइनें लग जाती थी चीजें खरीदने के लिए, सुबह से लाइनें होती थी। लेकिन आज तस्वीरें ऐसी हैं कि ना तो यहाँ पर लाइनें हैं, ना जमावड़ा है, भीड़ ही नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी, क्योंकि इस बार कोरोना काल है। कोरोना की पहली दिवाली इस बार कहेंगे ये आई है, जिसकी वजह से मार्केट से कस्टमर्स की जो रौनक है वो गायब हो गई, जिसकी वजह से कुछ फीकी सी यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानें खाली हैं। अच्छा, आप दूसरी तरफ अगर बात करें कि लोगों के पास खरीदने के लिए इस बार जो परचेजिंग पावर होती है वो भी काफी कम है, क्योंकि लोगों ने काफी ज्यादा कोरोना में इस बार सफर किया है, काफी ज्यादा जूझे हैं लोग, तो इसलिए आर्थिक स्थिति लोगों की इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो दुकानें खाली हैं और दुकानों के बाद करोल बाग मार्केट में 7:30 से शाम 10 बजे तक एक फुटकर इस तरह से छोटे छोटे स्टॉल्स जो है वो लग जाते हैं। तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि इन दुकानों से जो है लोग ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं अगर मुकाबला करें दुकानों का, और दुकानदारों का कहना है कि इस बार जो सेल है पिछले साल के मुकाबले वो बिल्कुल 50% कम हो गई। यानी कि सोचिए कि इस बार जो सेल रह गई उससे 50% रह गई। आगे लेके चलते हैं और आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मार्केट में क्या तस्वीरें हैं। आगे आप देखिए कि यहाँ पर करोल बाग मार्केट एक ऐसी मार्केट थी जो मशहूर थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन इस बार ना तो भीड़ नजर आ रही है और ना ही ज्यादा रौनक नजर आ रही है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, शायद शॉपिंग करी है। सर क्या नाम है आपका? चंद्रीप। ये बताइए शॉपिंग करी दिवाली की? दिवाली के लिए कुछ खास नहीं, कुछ जरूरी चीजें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टाइप, वेइंग मशीन, यही सब लेने आए। दिवाली की शॉपिंग कुछ नहीं की, बजट बहुत जीरो है। बहुत जीरो बजट है। हाँ। इस बार मार्केट में जो हालात देख रहे हैं रौनक बिल्कुल नहीं है, क्या कहना है उसमें? मतलब अभी तो कोरोना भी है, रौनक होगी भी तो एक दूसरे को खतरा ही होगा, तो एक तरफ से पॉजिटिव्स भी है, एक नेगेटिव भी है, इकोनॉमी का तो वही हाल रहेगा फिर। यानी कि लोगों की आर्थिक स्थिति इस बार बिल्कुल भी अच्छी नहीं। यहाँ पर एक और शख्स उनसे भी बात करते हैं, क्या नाम है आपका? विपिन नाम है। विपिन जी, इस बार क्या कहेंगे, रौनक बिल्कुल नहीं है मार्केट से, लोग गायब हैं, क्या खरीदा आपने? अभी हमने तो वही जरूरी चीजें खरीदी हैं और उससे ज्यादा तो कुछ खरीदा। दिवाली की शॉपिंग नहीं हुई? नहीं, नहीं। दिवाली की अभी कोई शॉपिंग नहीं, बजट ही नहीं है, वही सैलरीड पर्सन है। दिवाली की शॉपिंग नहीं करी है लोगों ने इस बार ज्यादा कुछ खास, क्योंकि लोगों का इस बार बजट नहीं है। लोग इस बार काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना में जिस तरह से लोगों ने सफर किया है, अपनी आर्थिक स्थिति लोगों की इस बार पूरी तरह से जूझी है, तो उसके बाद से हालात ऐसे हैं कि तस्वीरों के जरिए ही आप काफी कुछ समझ सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर शाम होते होते इस तरह से स्टॉल्स जो हैं वो लग जाते हैं दोनों तरफ मार्केट के, छोटे छोटे स्टॉल्स लग जाते हैं, रेड़ी पटरी जो है वो रख जाती है, तो जिसपे शाम में लोगों का जमावड़ा जरूर होता है, लेकिन सिर्फ जरूरी सामान ही लोग इस वक्त खरीद रहे हैं। यहाँ पर एक महिला है, उनसे भी बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू वाजवा है। शालू जी ये बताइए क्या खरीदने आई है? मेरा बेटा लाइन में लगा हुआ है, कुर्ता पजामा चाहिए उसको। बस खाली है, कुर्ते पजामे की दुकान पे भीड़ देख रहे हैं हम, बाकी तो खाली पड़ी है मार्केट। हाँ मार्केट तो खाली है, वो रौनक तो नहीं है, पहले जैसी रौनक तो नहीं रही। अच्छा, बाकी सामान नहीं खरीदा दिवाली का? नहीं, लिया हमने सामान, कुशन कवर वाला लिया। अच्छा, थोड़ा बहुत शॉपिंग हो गई? बहुत हो गई है। क्या कहना है इस बार, हर साल की जैसे तस्वीरें आती थी रौनक भरी बाजारों से, इस बार वो तो नहीं है? तो फीकी है बिल्कुल, ये कोरोना ने तो सबको मार दिया है। कोई बेचारे को दुकानदार देख लो, लोग देख लो, सभी लोग परेशान है, पर क्या करें, कोई हल नहीं है। सभी लोग इस बार परेशान है, दिवाली जो है कुछ फीकी सी नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर जिस दुकान पे सबसे ज्यादा भीड़ है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो सिर्फ एक कुर्ते पजामे की दुकान पे भीड़ दिख रही है मार्केट में, जहाँ पे कुर्ता पजामा लेने के लिए लोगों की लाइन है। आप देख सकते हैं लंबी लाइन है, तो यहाँ लाइन में जो लोग खड़े हैं उनसे भी जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी कुर्ते पजामा लेने आए? यस मैडम। दिवाली की शॉपिंग कैसी रही इस बार? बहुत अच्छी मैम।
अच्छी रही कर रहे हैं भाई। अभी स्टार्ट की है शॉपिंग आपने, पहले की जैसी तस्वीरें तो नहीं है इस बार मार्केट में, क्या कहेंगे? नहीं, पहले के जैसे अभी नहीं है। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? हरीश। क्या कहेंगे इस बार दिवाली कैसी है? ठीक ही है, लेकिन पहले जैसी रौनक नहीं है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से पहले जैसी रौनक नहीं है, तो इस तरह से तस्वीरें जो है कुछ फीकी सी नजर जरूर आ रही है करोलबाग मार्केट में। एक और बार तस्वीरें जो है आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि मार्केट में सजावट भी भरपूर है, यहाँ पर दुकानदार जो हैं वो भी अपनी दुकान सजाकर बैठे हुए हैं, लेकिन जो रौनक है उसमें वाकई यहाँ पर करोलबाग मार्केट में कमी जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरह से कोरोना काल में जो त्योहार हैं उनकी रौनक जो है वो काफी फीकी सी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ पति है एबीपी न्यूज दिल्ली।